ठीक है। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है, ठीक है ना, ये भारत में चल रहे जितने भी आंदोलन थे उस आंदोलन में सबसे परिपक्व आंदोलन के रूप में इस नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में जाना जाता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो था, ये आंदोलन जो है, जो नर्मदा क्षेत्र यानी कि नर्मदा की जो बांध की ऊंचाई बढ़ाई जा रही थी, जिसके चलते वहाँ जो भी उसके आसपास के क्षेत्र में जो लोग रह रहे थे, जिनके आवासों को उनसे छीना जा रहा था, उन्हें पुनर्वास करने की यानी कि फिर से उनके आवास देने के लिए ये आंदोलन की बात की जा रही थी, ठीक है। तो मैंने कहा कि ये आंदोलन जो था, अभी तक भारत में जितने भी आंदोलन चल रहे थे उसमें परिपक्व आंदोलन के रूप में इस नर्मदा बचाओ आंदोलन को हम देखते हैं, ठीक है ना। तो इसने पहली बार पर्यावरण तथा विकास के संघर्ष को राष्ट्रीय स्तर पर क्या कर दिया, चर्चा का विषय बनाया, जिसने न केवल विस्थापित लोग बल्कि वैज्ञानिकों, गैर सरकारी संगठन तथा आम जनता की भी भागीदारी रही, ठीक है ना। अब सोचिए कि जो आंदोलन था वो लोकल लेवल पे होता था, लेकिन ये नर्मदा बचाओ आंदोलन जो था, बात उठी मध्य प्रदेश और गुजरात के क्षेत्र से और पहुंच गई कहाँ, पूरे भारत में। और कहाँ केवल आंदोलनकारी नहीं बल्कि इस आंदोलन में वैज्ञानिक, आपके जो एनजीओ थे, काफ़ी लोकल्स जो लोग थे, ठीक है ना, उन लोगों ने भी क्या किया, आम जनता जिनको उस क्षेत्र से मतलब नहीं है वो भी इस आंदोलन में इंटरेस्ट लेने लगे। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध परियोजना का उद्घाटन 1961 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया, लेकिन तीन राज्य कौन कौन से, गुजरात, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान के मध्य एक उपयुक्त जल वितरण नीति पर कोई सहमति नहीं बन पाई। 1969 में सरकार ने नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया ताकि जल संबंधी विवाद का हल करके परियोजना का कार्य शुरू किया जा सके। उसके 10 वर्ष पास 1979 में न्यायाधिकरण सर्वसम्मति पर पहुंचा कि नर्मदा घाटी परियोजना ने जन्म ले लिया, जिसे नर्मदा घाटी तथा उसकी 4,134 नदियों पर दो विशाल बांध, ठीक है ना, गुजरात में सरदार सरोवर बांध तथा मध्य प्रदेश में नर्मदा सागर बांध, 28 मध्यम बांध और 3,000 जल परियोजनाओं का निर्माण जो है इसके ऊपर शामिल था। 1985 में हम देखें तो इस परियोजना के लिए विश्व बैंक ने 450 करोड़ रुपए का डॉलर का जो करोड़ डॉलर का जो है वो लोन देने की घोषणा भी की थी। और इस परियोजना से मध्य प्रदेश, गुजरात तथा राजस्थान के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में लगभग 2.27 करोड़ हेक्टर भूमि को सिंचाई के लिए जल मिलने की बात हुई थी। और साथ साथ में हम देखें तो सिंचाई के लिए जल के अलावा हम बात करें तो बिजली का उत्पादन, पीने के लिए जल और क्षेत्र में जो बाढ़ आ रहे थे उनको रोकने का भी काम किया गया था, ठीक है। और यहीं से जो हम बात करें तो यहां से शुरू हुआ आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन या नर्मदा परियोजना जो है वो गंभीर विवाद को एक रूप दे दिया। एक और इस परियोजना को समृद्धि तथा विकास का सूचक माना जा रहा था। क्या किससे सिंचाई होगा, इससे पेयजल आएंगे, इससे बिजली उत्पादन होंगे, इससे जो हर साल बाढ़ आ जा रहे हैं उस पर नियंत्रण होगा, ठीक है ना। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इससे तीन राज्यों को 37,000 हेक्टेयर भूमि जो है वो जलमग्न भी हो जाएगी, ठीक है। तो एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि ये सारी सुविधाएं, तो दूसरी तरफ हम क्या देख रहे हैं कि लगभग 37,000 एकड़ के आसपास जमीन जो है वो पानी में डूब जाएगी। तो भैया वहाँ रहने वाले लोगों का क्या, आपने क्या किया कि बहुत ठीक है आपने तीन राज्यों में ये तो देखा कि तीन राज्यों में ये सारी सुविधाएं आ जाएंगी, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि इसका नकारात्मक प्रभाव जो है वहाँ रहने वाले जो हैं, जिनके क्षेत्र जो डूब जाएंगे उनके ऊपर पड़ेगा। और ये माना गया कि लगभग 248 गांव के 1,00,000 से अधिक लोग जो हैं वो विस्थापित होंगे, जिनमें 58% जो थे वो उन क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी थे, ठीक है। नर्मदा बचाओ आंदोलन को एक जन आंदोलन के रूप में ये बाद में उभरा और कई समाजसेवी, पर्यावरणविद, छात्र, महिलाएं, आदिवासी, किसान तथा मानव अधिकार कार्यकर्ताओं ने इसे एक संगठित समूह बनाकर रख दिया। इसके लिए उन्होंने कई जगह भूख हड़ताल किया, पदयात्रा निकाली, पत्रों के माध्यम से जो है वो सरकार को सचेत किया, ठीक है ना। काफ़ी सारे फिल्मी कलाकार जो हैं उनकी भी सहभागिता इसमें थी, ठीक है। इसमें हम आंदोलनकारियों में देखें तो मेधा पाटकर के अलावा अगर हम बात करें तो मेधा पाटकर का नाम तो सबसे ऊँचा आता है, सबसे ज़्यादा नर्मदा बचाओ आंदोलन के नाम आप जब भी चर्चा करें तो मेधा पाटकर का नाम सुनने में आएगा, क्योंकि इन्होंने कई बार जो है भूख हड़ताल किया इस आंदोलन को लेकर, ठीक है। जब तक इस आंदोलन में, जब तक उन्हें पूर्ण रूप से सफलता नहीं मिली, तो वह हर जगह जो है वो भूख हड़ताल से लेकर बहुत सारे आंदोलन भी उन्होंने किए इसको बचाए रखने के लिए। लेकिन उनके साथ हम देखें तो अनिल पटेल, बुकर सम्मान से नवाजी गई अरुंधति रॉय, बाबा आमटे आदि जो हैं उन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन में सहभागिता की। और जब इन्होंने सभी ने सहभागिता की तो आंदोलन जो है 1989 में जो है वो एक अलग ही मोड़ ले लिया, ठीक है ना, लोगों को तक, क्योंकि इतने बड़े बड़े जो हस्तियां थी जब इस आंदोलन में जुड़ी तो सभी का ध्यान जो है इस आंदोलन की तरफ और तेज़ी से खींचा। सितंबर 1989 में मध्य प्रदेश के हारसू जगह पर एक आम सभा हुई जिसमें 200 से अधिक गैर सरकारी संगठनों के 45,000 लोगों ने भाग लिया। भारत में पहली बार नर्मदा का जो मुद्दा था वो मुद्दा केवल तीन राज्य और वहाँ रहने वाले 1,00,000 के जो आदिवासी, जिसमें 58 1,00,000 के लोगों के केवल विस्थापितों का मुद्दा नहीं हुआ था,
ये मुद्दा जो है वो पूरे भारत में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन के उठा। नर्मदा केवल अब तीन राज्यों की बात नहीं हो गई थी, नर्मदा इस समय बात हो गई थी पूरे भारत के पर्यावरण की, क्योंकि 45,000 से ऊपर पर्यावरण प्रेमी जो है वो एक साथ इकट्ठा हुए थे नर्मदा को बचाए रखने के लिए। ठीक है ना, पर्यावरण के मुद्दे पर अब तक की सबसे बड़ी रैली थी जिसमें देश के सभी बड़े गैर सरकारी संगठन तथा आम आदमी के अधिकारों की रक्षा करने वाले जो भी समाज सेवी थे वो सब हिस्सा लिए। हारसूद सम्मेलन न केवल बांध का विरोध किया बल्कि इसे विनाशकारी विकास का नाम भी दिया और पूरे विश्व ने इस पर्यावरणीय घटना को बड़े ध्यान से देखा। अब ये समझिए कि ये जो एनजीओ थे या समाज सेवी थे जब इस नर्मदा को बचाने के लिए जुड़े इतने बड़े मात्रा में, तो इंटरनेशनल मीडिया का भी ध्यान का जो खिंचाव हुआ वो यहाँ हुआ और मामला जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर भी उछल गया। ठीक, अप्रैल 2006 में नर्मदा बचाओ आंदोलन में एक बार फिर से उग्रता आई क्योंकि बांध की ऊंचाई 110 मीटर से बढ़ाकर 122 मीटर तक ले जाने का निर्णय लिया गया। मेधा पाटकर जो पहले से ही विस्थापित हुए लोगों को पुनर्वास की मांग को लेकर संघर्ष कर रही थी, 17 अप्रैल 2006 को नर्मदा बचाओ आंदोलन की याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने संबंधित राज्य सरकार को चेतावनी दी कि अगर विस्थापितों को उचित पुनर्वास नहीं हुआ तो बांध का और आगे निर्माण नहीं किया जा सकेगा। कई बार ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में गया, ठीक है, और इस पे डेट लगता रहा, ठीक है, बहुत सारे इसमें, लेकिन बाद में जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इसके बांध को बढ़ाने पर क्या किया, तब तक रोक लगा दिया जब तक पुनर्वास ना दे दिया जाए जो भी विस्थापित हैं। ठीक है ना, अगला आंदोलन जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा, ठीक है, तो क्लियर है यहाँ तक।